नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलास्टिकदार हाफ पैंट की कटिंग। कुछ व्यूवर्स ने हमारे कमेंट किया था कि हमको इलास्टिक वाली हाफ पैंट की कटिंग बताएं, तो सो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आधा मीटर कपड़ा लिया है और इसी में आपको हाफ पैंट की कटिंग बताएँगे। तो सबसे पहले हम इसकी आपको साइज बता दें। इसकी लंबाई जो है 13 इंच है और इसका हिप जो है 30 इंच है और इसका जो कमर है 24 इंच है और इसकी मोहड़ी यानी बॉटम जो है वो 18 इंच है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और तो हमने इसमें आधे इंच का गैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे, तो जैसा कि लंबाई 13 इंच है तो हम यहाँ 1.5 इंच माइनस कर रखेंगे बेल्ट के लिए। तो जैसा कि आप 7 इंच का भी बेल्ट लगा सकते हैं और 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से हमको लंबाई लेना है 13 इंच, तो हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हम यहाँ 14 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये फोल्ड के लिए हो जाएगा। अब इसका आपको आसन का भाग निकालना है, तो आप किस तरह से निकालेंगे। जैसा कि हिप इसका 30 इंच है तो इसका चौथा भाग होएगा 7.5 इंच, तो हम यहाँ 7 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये बच्चे का हाफ पैंट है, नहीं तो पूरा चौथाई भाग आप निशान लगा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे आसन वाले भाग का और दूसरा हम यहाँ खींचेंगे मोहड़ी वाले का भाग का इस तरह से। तो हमारी 3 लाइनें हो गई है। अब हम यहाँ मेजरमेंट निकालेंगे कमर का। हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे यहाँ इस तरह से। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कमर 24 इंच है, तो हम यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में लेंगे और हम 6.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। अगर आपको फिटिंग पैंट चाहिए तो आप यहाँ 1/2 इंच केवल सिलाई के लिए मार्जिन निकालें। अगर आपको प्लेट वाली चाहिए तो आप यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकालना चाहिए आपको, तो 1.5 इंच आप यहाँ एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। आप 2 इंच भी निकाल सकते हैं, हमने 1.5 इंच निकाला हुआ है, मीडियम पैंट है। तो और यहाँ हम अब आसन वाला भाग निकालेंगे। जैसा कि हिप 30 इंच है तो हम 7.5 इंच पर यानी 8 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 1.5 इंची लूजिंग लिया था, तो यहाँ हम लेंगे 7 इंच और 7 इंच हम यहाँ फ्लाई के लिए लेंगे एक्स्ट्रा। ये 7 इंच हमारी फ्लाई के लिए रहेगी, ये हमेशा 7 इंच भी हर पॉइंट में लिया जाता है। तो अब इसका हम यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है हमारा 11 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ 5.5 पर निशान लगाएंगे। ये सेंटर वाला भाग है और यहाँ भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ मोहड़ी का नाप लेंगे, मोहड़ी हमारी 18 इंच है, जिसका आधा होएगा 9 इंच, तो हम यहाँ 4.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब ये क्या है, हमको यहाँ से एक लाइन खींच लेना है इस तरह से और हमको आसन का निशान लगाना है। फिर हमको यहाँ से क्रॉस भाग खींचना है, यहाँ से हमको क्रॉस भाग खींचना है और हमको थोड़ा सा इसको डाउन कर देना है इस तरह से, ताकि ये जब बॉटम फोल्ड होगा तो आसानी होगी फोल्ड करने में। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। जैसा कि अगर आपको यहाँ क्रॉस पॉइंट लगाना है तो आप यहाँ 2 इंच पर निशान लगा सकते हैं। यहाँ से 5.5 इंच वगैरह आपको पॉकेट तैयार करना है तो 6 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हम इसको हल्का सा डाउन कर देते हैं, इस क्रॉस पॉइंट खींच देते हैं। ये हमारा पॉकेट का निशान हो गया और यहाँ थोड़ा डेक दिया जाता है 1/2 इंच का, आप ध्यान रखिए सिलाई करते वक्त यहाँ पे। बाद में ही हमने स्टिचिंग का वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो अब हम आपको बैक की कटिंग बताएंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रखा है और हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने फ्रंट को इस तरह से बिछा लिया है ऊपर। अब यहाँ हमको एक लाइन खींचना है ये आसन वाले भाग पे और यहाँ मोहरी वाले भाग पे। अब यहाँ आपको जैसा कि आप इलास्टिक वाली हाफ पैंट है तो आप इसमें जैसा कि आप 1.5 इंच का आपका बेल्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा निशान आएगा, ये हमारा 1.5 इंच का निशान आ जाए यहाँ तक। अगर इसमें हम बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ तक आएगा। अब इसके ऊपर आपको 1 इंची 1.5 इंची कपड़ा छोड़ना है, इसलिए इलास्टिक में जो फोल्ड होगा उसको आपको बड़ा रखना है। तो अब यहाँ से हम कमर का नाप ले लेते हैं। कमर 24 इंच है तो हम यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच यहाँ और यहाँ हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे ये लूजिंग के लिए, और यहाँ हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से।
अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ भी जो निशान लगाया हुआ है, तो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और हम आसन का निशान दे देंगे इस तरह से, इस तरह से। अभी हमारा बैक साइड हो गया। इलास्टिक वाले हाफ पैंट में पीछे डॉट नहीं लगता है, आप इसका ध्यान रखें। तो जैसा कि हमने कटिंग करना है हमको इसको, तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे इसको। और यहाँ हमको एक्स्ट्रा रखना है थोड़ा कमर के लिए, इस तरह से। ये हमारी हाफ पैंट की कटिंग हो गई इलास्टिकदार। तो आप इस तरह से इलास्टिक वाली हाफ पैंट कटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। थोड़ा यहाँ हम आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जैसा कि अगर आप यहाँ एक इंची इलास्टिक चौड़ी लगाएंगे या सवा इंची या आधी इंची, तो उसी हिसाब से आपको मार्जिन यहाँ ऊपर कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक इंची के लिए इलास्टिक लगाते हैं तो आपको यहाँ 1.5-2 इंच कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपको फोल्ड पीछे वाले बैग में, बैक साइड में इलास्टिक लगाने के लिए आसानी हो सके। तो इस तरह से आप इसमें डॉट ना मारें, इसमें इलास्टिक वाले हाफ पैंट में डॉट पीछे नहीं रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।